So, hello everyone. Welcome to the webinar on a Saturday. So, आज डिस्कस करेंगे हम लोग टॉप 20 स्टॉक्स जो कि हमें लगता है कि इस मार्केट में अच्छा करेंगे. ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स हैं अपने लो से रिट्रेस हो रहे हैं. 23 मार्च के बाद एक रिट्रेसमेंट आया है जब निफ्टी ने अपना लो बनाया था, तो रेगुलरली स्टॉक्स रिट्रेस कर रहे हैं और हम लोग एक अनचार्टेड टेरिटरी में हैं. अभी हमको ये नहीं आइडिया है कि COVID-19 की वजह से किस तरह के चेंजेस आएंगे कंपनी की बैलेंस शीट्स में, इनकम स्टेटमेंट्स में, और EPS पे क्या फर्क पड़ेगा. इसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ guys, am I audible? I hope that I am audible. I'm just getting the messages that I am not audible. Okay. So let's start discussing the stocks. We have limited time in our hand, so we can start. कुछ एक स्टॉक्स मैंने आप लोग के लिए निकाले हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक मैं शेयर करना चाहता हूँ. मार्केट का डार्लिंग है आरती इंडस्ट्रीज. बहुत स्टॉक ने अच्छा एक मूव दिया हुआ है और अगर आप स्टॉक को देखेंगे, अगर आप पहले कंपनी को समझें कि कंपनी करती क्या है. बेसिकली अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें आरती इंडस्ट्रीज का, तो फार्मास्यूटिकल से 17% रेवेन्यू आता है कंपनी का, स्पेशलिटी केमिकल से 83% रेवेन्यू आता है. और एक थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है कि बिकॉज ऑफ COVID-19 शायद सप्लाई चेन चाइना में डिसरप्शन होगा और उसका फायदा इंडिया को मिलेगा, तो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के जितने स्टॉक्स हैं इंडिया में उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा. जबकि ये समझने वाली बात है कि ये स्टोरी पिछले 8-10 साल से चल रही है और पिछले 2-3 साल में तो रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा है इनफैक्ट केमिकल कंपनीज का, बट इवन देन अब चेंज सिनेरियो में इन कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा. तो इस कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल में 83% का बिजनेस है, रेवेन्यू काउंट है. और स्पेशलिटी केमिकल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एग्रो केमिकल्स का 25-30% का एक पोर्शन है. और जो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट कर रही है एग्री सेक्टर को, बिकॉज जब कभी एक स्लो डाउन होगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में तो एग्री को एक सपोर्ट करना पड़ेगा. डिमांड आएगा रूरल एरिया से और वो बेसिकली GDP ग्रोथ में काउंट करेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए. तो एग्रो केमिकल्स का 25-30% का हिस्सा है इस कंपनी का रेवेन्यू में. और अगर आप पॉलीमर एक्टिविटी देखेंगे तो 15-20% का टोटल स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस बेसिकली पॉलीमर एडिटिव्स से आता है. अब पॉलीमर एडिटिव्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो पॉलीमर मैट्रिक्स में ऐड किए जाते हैं इसकी सर्विस लाइफ को एनहांस करने के लिए. एग्जाम्पल है पेंट, हीट इंसुलेटर्स, पाइप्स, वाटर बॉटल्स, टॉयज, शीट्स एक्सेट्रा. ये डिमांड अभी थोड़ा सा कंपनी का मेलो डाउन है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. अदर देन दैट डाइस, पिगमेंट्स एंड प्रिंटिंग्स का 15-20% का रेवेन्यू काउंट है कंपनी का, जो स्पेशलिटी केमिकल का पार्ट बनता है. यहाँ पर भी थोड़ा सा डिमांड स्लो डाउन है, तो ये सेक्टर्स जब रिवाइव करेंगे तो कंपनी को आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी. अगर सेल्स के पार्ट पे देखें तो कंपनी का 58% सेल्स इंडिया से आता है, बाहर से करीब 42% से, एक्सपोर्ट लगभग 42% का है. अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 48% प्रमोटर होल्डिंग है, 23% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स, FPIs और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है. स्ट्रॉन्ग कंपनी है. अगर फाइनेंशियल 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 23% का है, रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 12% का है. प्राइस टू बुक आज भी 13.5 है और प्राइस टू कैश फ्लो 17 है, जो कि बिट ऑन हायर साइड है. ऑब्वियसली वैल्यू अनलॉकिंग होगी, कंपनी और बढ़ेगी. बट याद रखें ये सब कंपनी जितनी मैं शेयर करूंगा स्टॉक्स, जब कभी मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले, मार्केट नीचे के लेवल पे आया, जैसे कल आया था 9040 के लेवल पर लगभग, अब वहां पर वैल्यू बाइंग, वहां पर बाइंग करने को देखे. जितने स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा ये हायर हाई हायर बनाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे. सेकंड स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स. विनाती ऑर्गेनिक्स अगर कंपनी को हम लोग समझें तो बेसिकली इसके प्रोडक्शन, तीन चीजों का प्रोडक्शन विनाती ऑर्गेनिक्स करती है. फर्स्ट है IBB, जिसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन, जो बेसिकली 17% प्रोडक्शन इसका आइसोब्यूटाइल बेंजीन का है. इसके अलावा सेकंड केमिकल ये बनाती है जिसको कहते हैं एक्रिलेमिडो टर्शियरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड.
जो बेसिकली 54% इसका प्रोडक्शन है। थर्ड इसका केमिकल है आइसोब्यूटाइल जो 9% बनाती है। अब ये होता क्या है, बेसिकली आईबीबी जो है जिसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बेंजीन कहते हैं, ये कोर इंटरमीडिएट है आइबूप्रोफेन बनाने के लिए। आप लोगों ने आइबूप्रोफेन का नाम सुना होगा, ये बेसिकली एक केमिकल है जो पेन स्वेलिंग और फीवर की जो मेडिसिन है उसमें यूज किया जाता है। अभी COVID-19 के एरा में काफी यूज हो रहा है कंपनीज के अंदर और बहुत अच्छी सप्लाई है इस कंपनी की। अगर हम लोग देखें तो जो इसका सेकंड प्रोडक्ट है जिसको एक्रिलेमिडो टर्शियरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, वो बेसिकली उसके कई सारे यूज हैं। ऑयल फील्ड माइंस में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, पेंट एंड पेपर कोटिंग्स के इमल्शंस के लिए यूज होता है। अदर देन दैट आइसोब्यूटाइल एंटीऑक्सीडेंट फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम्स के लिए यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। आप देख रहे होंगे कि जो इसका मेजर पोर्शन है जो बेसिकली ATVS है, वहां पर थोड़ा सा डिमांड स्लो डाउन हो सकता है कंपनी के लिए, जबकि जो 17% ऑफ द पोर्शन है वहां डिमांड है। इसके बावजूद प्राइस आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेलो डाउन है, और ये जब कभी डिमांड आएगी तो प्राइस दोबारा इसका ऊपर की तरफ चलेगा। जो ब्यूटाइलेटेड फिनॉल्स होते हैं जो जिसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं, बेसिकली वो एग्री और फार्मा में यूज होते हैं जिसका डिमांड अच्छा है, तो एक ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है कंपनी का। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल्स को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल 19 में 30% था, बहुत अच्छा था, और रिटर्न ऑन एसेट 38% था। प्राइस बुक आज भी 9.3 है, प्राइस टू कैश फ्लो 29 है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 74% है, म्यूचुअल फंड FPI इंश्योरेंस के पास 22% होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हायर ओ हायर लाइफ, हायर हाई हायर लो बनाएगी, एक अप ट्रेंड रहेगा स्टॉक के अंदर। जब कभी मार्केट में गिरावट आए, फियर रहे, ठीक है, तब आप स्टॉक को बाय करने का सोच सकते हैं। थर्ड स्टॉक है SRF। डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रह चुके हैं या रह रहे हैं हमारे जो वेल्थ मैक्स मैजर 365, वेल्थ मैक्स 90 डे पोर्टफोलियोज में। SRF 2600 पे हम लोग ने बाय किया था 23 मार्च को, 3700 पे सेल किया, इसमें करीब 40-45% प्रॉफिट। अगर इस कंपनी को देखें SRF करता क्या है, तो आप देखेंगे कि इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि रेफ्रिजरेंट्स में 13% इसका रेवेन्यू आता है, स्पेशलिटी केमिकल से 21% का रेवेन्यू आता है, टेक्निकल टेक्सटाइल से 19% का रेवेन्यू आता है, और पैकेजिंग फिल्म से करीब 37% का कंपनी का रेवेन्यू क्लॉक होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट सेगमेंट है, जो उसके एंड यूज कस्टमर्स कौन होते हैं, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, चिलर्स, ऑटोमोबाइल्स, सारा सेक्टर डाउन है। तो बेसिकली अगर कहा जाए 13% ऑफ द रेवेन्यू पे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी केमिकल्स के एंड यूज एंड कस्टमर्स कौन होते हैं, एग्रोकेमिकल मेजर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिमांड है जो 21% ऑफ द रेवेन्यू काउंट करेगा, और इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है SRF में। जो थर्ड सेगमेंट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, वो ऑटो और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को केटर करता है, जहां पर एक बड़ा हिट है, दोनों ही सेगमेंट डाउनफॉल है। और फोर्थ सेगमेंट है पैकेजिंग फिल्म्स का, जो 37% रेवेन्यू आता है, जो बहुत इन थिंग है। अगर आप देखेंगे तो FMCG और पैकेज गुड्स में पैकेजिंग फिल्म्स का इस्तेमाल होता है, और बहुत स्ट्रांग अपसर्ज है इस COVID-19 के एरा में। आप देखेंगे कि हाइजीन कंसर्न्स की वजह से पैकेजिंग की डिमांड बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, और एक लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, तो ये SRF को सीधे सीधे फायदा करेगा। जब कभी ऑटो में एक रिवैम्प आएगा, जब कभी रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री में एक रिवैम्प आएगा, आप स्टॉक और ऊपर आप देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ऊपर स्टॉक है, और इवन देन आपको हायर आई हायर लो बनाएगा, एक बाइंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप स्टॉक को देखें तो 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी था फाइनेंशियल 19 में, रिटर्न ऑन एसेट 8.4% का था, प्राइस टू बुक आज भी 5 का है, और प्राइस टू कैश फ्लो 16 का है, तो डिसेंट स्टॉक है। अगर आप NSE पे एवरेज वॉल्यूम देखें तो करीब 2 लाख स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम है लास्ट 20 दिनों का, तो बहुत अच्छा स्टॉक है। चौथा स्टॉक हम लोग फिर केमिकल सेक्टर से देखेंगे, अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी है। अगर हम देखेंगे तो दो सेगमेंट में काम करती है, पहला है लाइफ साइंस केमिकल, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स। सो लाइफ साइंस केमिकल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनको APIs कहते हैं,
फंजीसाइड्स और हर्बीसाइड्स जिसमें क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्मास्यूटिकल्स और इंटरमीडियरीज वगैरह आते हैं, ये कंपनी बनाती है। सेकंड, परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल सेगमेंट, जहां पर एडेशन प्रोमोटर्स, बल्क केमिकल्स, एपॉक्सी रेजिंस, हार्डनर्स, इंटरमीडिएट्स, परफ्यूमरी और टेक्सटाइल डाइज बनाती है। दूसरा सेगमेंट ऑब्वियसली प्रेशर में है, लेकिन जहां पर हम एपीआई सेगमेंट, फंजीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स की बात करते हैं, वो सेगमेंट एक अच्छा रिटर्न देगा इस कंपनी को। तो इस तरह से कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल, कंपोजिट्स, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक, डिफेंस, फुटवेयर, फ्रेग्रेंसेस, ग्लास, होम केयर, हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटैलिटी वगैरह आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने अभी जो रिजल्ट्स दिए हैं उसमें जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दिया है 124 करोड़ का दिया है फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, जो कि अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर में देखें तो 108 करोड़ का था, तो ईयर ऑन ईयर 31% ग्रोथ दिया है। अगर हम नेट रेवेन्यू कंपनी का देखें थोड़ा मॉडरेटली डिक्लाइन हुआ है, और अगर हम फाइनेंशियल 20 की ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो परफॉर्मेंस बेटर है देन एस्टिमेटेड। आगे हम देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस और भी बेटर होगा, दो तीन चीजों की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 21 में। जब कभी COVID-19 लेट डिस्ट्रप्शन खत्म होंगे और सिक्वेंशियल रिकवरी होगी ऑपरेशंस में, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। चाइना का रिप्लेसमेंट मिलेगा तो एक ह्यूज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिलेगी। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन हुआ है वो भी Q1 से आपको देखने को कंपनी के अंदर मिलेगा। तो स्ट्रांग कंपनी है। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का क्लॉक किया है कंपनी ने इस साल, जो लास्ट ईयर 17% था। रिटर्न ऑन असेट 22% क्लॉक किया है, जो 20.7% था। आज भी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.3 है, प्राइस टू कैश फ्लो 30 राइट। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो करीब 45% प्रोमोटर होल्डिंग है, 30% आपकी म्यूचुअल फंड, एफपीआई और इंश्योरेंस होल्डिंग है। ये सारे स्टॉक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप देखेंगे बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड और एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग रखते हैं, जिसमें अतुल का 30% है म्यूचुअल फंड होल्डिंग, SRF का 29% है, विनाती का 22% है, आरती का 23% है। तो ये चार शेयर मैंने आपसे डिस्कस किए, सैक्रोसेंट अप ट्रेंड में रह रहे हैं ये स्टॉक, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। अगर आप सिंपल इन्वेस्टर हैं, आप ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहते, आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रा कॉल नहीं लेना चाहते, तो बेस्ट स्टॉक्स हैं। आप जिस दिन निफ्टी बहुत ज्यादा गिर जाए आप एक अच्छे लेवल पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन अगर एज ए कंपनी देखें तो बेहतरीन कंपनी है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी को तो एक इनऑर्गेनिक एनियन ऑफ फ्लोरिन होता है जिसको फ्लोराइड कहते हैं। बेसिकली फ्लोराइड जो आयन होता है, ये कई तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के काम में आता है, जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड वगैरह होते हैं। बायोफ्लोराइड्स मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जो फ्लोराइड आयरन होता है बेसिकली अर्थ में मिलता है, सेवरल मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, पर्टिकुलरली फ्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। कहाँ यूज होता है? बेसिकली एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, टूट डिके वगैरह, ग्लास सरफेस एचिंग करने वगैरह में यूज होता है। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग यूज है केमिकल, इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग यूसेज है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल, प्रोवाइडिंग केमिकल्स टू इंडस्ट्रियल सेगमेंट। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो 52% सप्लाई इंडिया में है, 48% एक्सपोर्ट है कंपनी का। अगर आप रेवेन्यू सेगमेंट देखेंगे तो रिप्रेजेंट्स का 29% रेवेन्यू सेगमेंट है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का 21% सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल 31% है और क्रैम्स 91% है। आप भी आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का देखेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्लो डाउन है, कोरोना रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, रेफ्रिजरेंट्स में भी इम्पैक्ट है, स्पेशलिटी केमिकल्स और क्रैम्स में मिनिमम इम्पैक्ट है, एग्रो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोजर होने की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट नेचर होने की वजह से बिजनेस से ये कंपनी आपको ठीक ठाक काम करती हुई दिखाई देगी। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर कंपनी ने करीब 14% का क्लॉक किया था, रिटर्न ऑन एसेट 17% का क्लॉक किया था, प्राइस टू बुक आज भी 6.65 है, 79 का प्राइस टू कैश फ्लो है, थोड़ा लेवल पे कॉस्टली है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग, म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग देखें तो करीब 36% का होल्डिंग है, 31% प्रोमोटर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है।
एवरेज 4-4.5 लाख का एनएसई पर वॉल्यूम आता है, एवरेज 20 दिन का वॉल्यूम अगर हम देखें। तो ये बेसिकली मैंने कुछ एक स्टॉक्स आपसे शेयर किए, 5 स्टॉक्स शेयर किए जो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री से थे, जो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, मोमेंटम ट्रेड आप इसमें बना सकते हैं। एक कॉन्ट्राबेट मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहूंगा केमिकल सेक्टर। मैं हम लोग कॉन्ट्रा ज्यादा रहते हैं, शरद मिशन एसोसिएट्स का बेसिकली जो फ्लेयर है वो कॉन्ट्रा में है। हम लोग बहुत सारी कॉन्ट्रा कॉल देते हैं। हम लोग ने 23 मार्च को ही निफ्टी का बाय दिया था, उसके बाद एक पोर्टफोलियो बना दिया था, तो उसपे बहुत अच्छे रिटर्न्स गिरे हैं। हम लोग जबकि वो मार्केट उस तरह कोई खरीदने को तैयार नहीं था, बट हम लोग ने उस टाइम भी मार्केट को खरीदा, निफ्टी को भी खरीदा, 28% रिटर्न बुक किया, और लगभग लगभग 9600 का हमने पहले ही लेवल बता दिया था। हमने पहले रिसर्च रिपोर्ट डाल दी थी कि मार्केट 7740 और 9650 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। तो कॉन्ट्रा कॉल्स हम लोग बहुत सारा देते हैं। एक नया स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे जो है कैमलिन फाइन साइंसेस। अगर आप कैमलिन फाइन साइंसेस को देखें, इस कंपनी को समझें, तो बेसिकली इसका डिमर्जर हुआ था 2006 में फ्रॉम कैमलिन लिमिटेड। इसकी बेसिकली तीन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है जिसमें शेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस कंपनी देती है, सेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस जिसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके ब्लेंड्स और एडिटिव्स कंपनी बनाती है, जो ह्यूमन फूड, पेट फूड, एनिमल न्यूट्रिशन, एक्वाकल्चर, बायोडीजल इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं। बेसिकली कैमलिन फाइन साइंसेज लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड ऑक्सीडेंट्स का, जैसे TBHQ एंड BHA होते हैं। तो ये बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं अगर आप देखेंगे तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल खराब हो जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है। उसका फ्लेवर और शेल्फ लाइफ रिटेन करने के लिए एक केमिकल डाला जाता है, पर्टिकुलर केमिकल की, और इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जिसको BHA कहते हैं, ये एक प्रिजर्वेटिव है जो बेसिकली अगर आप देखते होंगे पोटैटो चिप्स, बटर, सीरियल्स, मैश पोटैटोज, प्रिजर्व मीट, बियर, बेक्ड गुड्स, ड्राई बेवरेजेस, डेजर्ट मिक्सेस वगैरह में यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है और इसको कंपनी को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी एरोमा केमिकल्स में एक केमिकल होता है कैटेकॉल, उसको बनाती है। कैटेकॉल कहाँ पर यूज होता है अगर आप देखेंगे तो कैटेकॉल इंग्रेडिएंट जो है वो बनाने के काम आता है वेनिलिन और इथाइल वेनिलिन। अभी इथाइल वेनिलिन और वेनिलिन क्या होता है, आप सब लोग बेकरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कन्फेक्शनरी चॉकलेट स्वीट यूज करते हैं, फार्मा सिरप्स, एनिमल न्यूट्रिशन, च्यूइंग टैबलेट्स, अगर आप देखेंगे उसमें जो बेसिकली वेनिला फ्लेवर आता है वेनिलिन और इथाइल वेनिलिन की वजह से ही आता है, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेनिलिन का ये कंपनी। और ये समझने वाली बात है कि कंपनी का प्रेशर कहाँ से आया, जैसे ही ये होटल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, ग्लोबली एक बेसिकली शटडाउन हुआ, उसका असर सीधे सीधे कंपनी के ऊपर आया। जबकि अगर क्वार्टर 3 के रिटर्न रिजल्ट्स देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 20 के, तो एक क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ अरोमा केमिकल्स ने कंपनी में क्लॉक की थी। स्टॉक ऑल टाइम मतलब काइंड ऑफ लोस पे चल रहा है, मैंने ऑल टाइम देखा नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो एक ये कॉन्ट्रा कॉल है और यहाँ पर एक अच्छी बाइंग स्टॉक के अंदर बनाई जा सकती है। ऑब्वियसली ये जितनी कॉल्स मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज आप समझ के रखिएगा, ये सारा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कॉल लें, हम लोग केवल आपको सर्टेन स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली बड़ी कंपनी है, इसकी सब्सिडियरी है मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप, ब्राजील, 80 कंट्रीज सर्व करती है कंपनी, 100 प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, ओके, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है यूरोप, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। तो बहुत अच्छा बाय है, राइट। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो 21% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, 23% प्रमोटर होल्डिंग है, लगभग 7 लाख शेयर एनएसई पर ट्रेड होते हैं, राइट। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी खराब रहा है फाइनेंशियल 19 में, और रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। प्राइस टू बुक केवल 1.18 का है, प्राइस टू कैश फ्लो 5.29 का है। तो ये कॉन्ट्रा बाय हो सकता है केमिकल के अंदर आने वाले समय में, इसको आप नजर में रख सकते हैं। तो ये कुछ एक 6 कंपनियां हम लोग ने केमिकल में डिस्कस किया जिसमें आप बाय ले सकते, आप देख सकते हैं लॉन्ग। और इसके अलावा रिमेनिंग स्टॉक हम लोग अब डिस्कस करेंगे।
एक मेरी बहुत पसंदीदा कंपनी है डिस्क्लोजर, इसमें कई सारे स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी बाय दे चुके हैं अलग अलग लेवल्स पर, और शायद वो वेल्थ मैक्सिमाइजर 90 डेज या वेल्थ मैक्सिमाइजर 365 डेज में पोजीशन होल्ड भी हो सकती है, तो ये डिस्क्लोजर मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर। अगली कंपनी है रेडिंगटन इंडिया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, पर्सनली हम लोग को बहुत पसंद है कंपनी है। और अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो बेसिकली आईटी और नॉन आईटी प्रोडक्ट्स में यह कंपनी काम करती है। मेजर इसकी ज्योग्राफीज हैं साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका। और बेसिकली कंपनी ने अभी जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल हैंडसेट शुरू किया और एक्सेसरी शुरू किया नाइजीरिया में और कुछ टेरिटरीज में इंडिया के। अगर हम देखेंगे तो कंपनी सपोर्ट सर्विसेज देती है आईटी हार्डवेयर और मोबाइल फोन्स में भी। अभी आप देखेंगे तो कंपनी ने एप्पल का नया आईफोन SE मॉडल इंडिया में लॉन्च किया है। इंडिया में ही कंपनी को देखेंगे तो 90 सेल्स लोकेशंस हैं, 100 ओन सर्विस सेंटर्स हैं, 280 पार्टनर सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया अक्रॉस इंडिया अगर आप देखेंगे। अगर कंपनी ने अभी कुछ अभी लास्ट क्वार्टर में जब जब कंपनी का कॉन कॉल हुआ तो मैनेजमेंट ने भी बोला था कि बहुत सारे कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है लैपटॉप सर्वर वगैरह, जल्दी ही कंपनी उसको सर्व करना शुरू करेगी और स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगा कंपनी के लिए। तो ये चीज आपको देखने को बहुत जल्दी ही मिलेगी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में सब चीजें डिस्काउंट होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। अगर हम कंपनी को देखें 59% होल्डिंग कंपनी की म्यूचुअल फंड FPI इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 8% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके अलावा 14 लाख लगभग शेयर्स एवरेज NSE पर ट्रेड होते हैं। जो फाइनेंशियल 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी था 13% था, रिटर्न ऑन एसेट बट वॉज 5%। बहुत ही सस्ती कंपनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू केवल 0.84 का है, प्राइस टू कैश फ्लो 3.06 का है। बहुत अच्छा कॉन्ट्रा बाय हम लोग ने दिया था, शायद 20% रिटर्न ऑलरेडी क्लाइंट्स उसमें जनरेट कर चुके होंगे। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कॉल लें। इसके अलावा अगली कंपनी, दो कंपनियां हैं बहुत अच्छी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली है हैथवे केबल, सेकेंड है नेटवर्क 18, मैं साथ में डिस्कस करूंगा। अगर आप हैथवे को देखें तो बेसिकली कंपनी रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, रिटर्न से पहले ही हम लोग ने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया था, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। और अगर आप नेट सेल्स कंपनी का देखें तो 455 करोड़ का नेट सेल्स दिया है जो 19% अप है राइट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 48 करोड़ का आया है जो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 632% अप है, अगर मैं डेटा सही से देख पाया हूँ तो। और इबिटा 179 करोड़ का आ रहा है जो YOY बेसिस पे देखेंगे तो 43% अप है। बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। सबसे अच्छी बात यह जो पहले ही एंटिसिपेट हम लोग ने की थी और क्लाइंट्स को इसलिए स्टॉक एडवाइस किया था कि जो स्टॉक का EPS है वो अब मार्च 20 में 0.28 हो गया है जो मार्च 19 में 0.03 था। तो आप देख सकते हैं EPS ग्रोथ किस तरह की कंपनी ने क्लॉक की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्टॉक के बारे में समझने वाली है वो ये है कि RIL का इस पे 59.3% होल्डिंग है और ADAG की करीब 12% होल्डिंग है इसके अंदर। और हम लोग ने 2 मई का जो वेबिनार किया था उसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये सारे स्टॉक्स, और वहां से एक अच्छे लेवल पर बहुत सारे स्टॉक्स आकर के गए हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड FPI होल्डिंग अभी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.81% इस बार कंपनी ने क्लॉक किया है, और यही रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर -8.50% था, और रिटर्न ऑन एसेट भी इस साल पॉजिटिव हुआ है 1.7% है। आज भी प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 1.14 है, प्राइस टू कैश फ्लो 17 है। लगभग 16 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं एवरेज NSE पर, लास्ट 20 डेज का डेटा जो मेरे पास सामने दिख रहा है। इसके अलावा अब नेटवर्क 18 जो बेसिकली इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा कंपनी है नेटवर्क 18। अगर आप कंपनी को देखेंगे नेटवर्क 18 को तो RIL और नेटवर्क 18 ने एक मर्जर अनाउंस किया था 17 फेब को, जो बेसिकली कंसोलिडेट किया था इसके लिस्टेड बिजनेस को जो कि TV18, डेन और हैथवे सब नेटवर्क 18 का हिस्सा हो गए हैं।
इस मर्जर की वजह से एक इंटीग्रेटेड मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई है, जिसका रेवेन्यू आई थिंक एंटिसिपेटेड 80 बिलियन INR है और मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन का है। नाउ नेटवर्क 18 एक डेट फ्री कंपनी होगी कंसोलिडेटेड लेवल पर। अभी और डिलीवरेजिंग होना कंपनी का बाकी है, जैसा हम लोग देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्ट्रेटेजी है कि वो रेगुलरली डेट कम कर रहे हैं, और ये हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली एक सब्सटेंशियल चेंज आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर हम देखेंगे तो नेटवर्क 18 के कैपिटल स्ट्रक्चर में सब्सटेंशियल चेंज आएगा, और नेटवर्क 18 की एक री रेटिंग होगी जैसे हम लोग री रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की देख रहे हैं। तो जो हम लोग ने देखा रिलायंस की जियो डिजिटल स्ट्रेटेजी, उसकी वजह से किस तरह की री रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की होती हुई दिख रही है, सेम री रेटिंग नेटवर्क 18 के भी होती हुई दिख सकती है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अरे है जो नेटवर्क RIL और नेटवर्क 18 ने तैयार किया है, जिसमें आप जियो टीवी, जियो सावन, जियो सिनेमा, वूट, मनी कंट्रोल, बुक माई शो, ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली नेटवर्क 18 को फायदा देंगी। और चैनल चेक से भी पता चलता है कि COVID-19 में ये एंटिसिपेट किया गया था कि शायद मीडिया सेक्टर में उस तरह की एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है, वो डिमांड भी रेजिलियंट है। तो ये चीजें सीधे नेटवर्क 18 को फायदा करेंगी। और अगर आप कंपनी को देखें तो बेसिकली 75% होल्डिंग RB मीडिया सॉफ्ट के पास है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रोकरेज फर्म थी जो RIL होल्ड करता है, और बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके देख सकते हैं। तो ये दो कंपनी नेटवर्क 18 और हैथवे डिस्कस किया, जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, हमने नीचे के लेवल पर क्लाइंट्स को अपने एडवाइस किया हुआ है, और ये हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजर 365 का एक हिस्सा है दोनों कंपनियां। इसके अलावा कुछ एक कंपनियां मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दो एक कंपनियां डिस्कस करना चाहूंगा बेसिकली IT सेक्टर से, जिसमें पहली है InfoEdge। अगर हम InfoEdge कंपनी को देखेंगे तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा जो है कंपनी का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो कंपनी है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें Naukri.com, जीवन साथी, 99acres, शिक्षा.com, राइट, ऑफलाइन पोर्टल है Quadrangle.com। अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का बहुत अच्छा लीडरशिप है अपने सारे प्रोडक्ट सेगमेंट में। नौकरी जॉब क्लासिफाइड 60% से ज्यादा ट्रैफिक होल्ड करता है। जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, जोमेटो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ऑनलाइन इंश्योरेंस जो बेसिकली इसका सेगमेंट है पॉलिसी बाजार का, उसके पास 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। जोमेटो का कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर फर्दर बढ़ा है जब उसने उबर ईट्स को एक्वायर किया है जनवरी अभी 2020 में। अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो नौकरी से करीब 16% का YOY रेवेन्यू आता है, 99acres करीब 15% का YOY रेवेन्यू देता है, और दूसरे सेगमेंट्स करीब 16% का YOY रेवेन्यू देते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इधर कोविड की वजह से हम देखेंगे कि लोगों का इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा हुआ है, और होगा, लोग ज्यादा ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन लेना चाहेंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा इन्फोएज को आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने बहुत अच्छा केपेक्स क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी कैश पोजीशन पे कंपनी खड़ी हुई है। अगर हम December 19 के बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास करीब 15 बिलियन INR का कैश पोजीशन है। जोमेटो ने करीब $150 मिलियन January 2020 में रेस किया था एंड फाइनेंशियल से, और लगभग लगभग 2 साल के ऑपरेशंस के लिए इसने अपना फाइनेंस रेस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम पॉलिसी बाजार या ऑनलाइन इंश्योरेंस सेगमेंट को देखेंगे तो उसका 90% मार्केट शेयर है, और लगभग उसने $200 मिलियन 2018 में रेस किया था। अगर कंपनी को देखेंगे तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है प्री मार्केटिंग कॉस्ट लेवल, और हायर इंटरनेट पेंट्रेशन जो कि ऑनलाइन इंश्योरेंस में आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से कंपनी का आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देगा। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर्स देखें तो कंपनी के अंदर मर्की इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग ग्लोबल इंटरनेट नेम्स हैं लाइक एंड फाइनेंशियल, अली बाबा, सॉफ्ट बैंक, टेंसेट, उबर एंड टाइगर ग्लोबल, जो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं बड़ी इंटरनेट कंपनीज को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली इन्फोएज में देखने को मिल रही हैं। अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट, लगभग 50% प्लस एबिटा कंपनी क्लॉक कर रही है, और ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी है, दूसरे अपने सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास, जिसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकती है आने वाले समय में। कोविड के बाद जो लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक चल चुका है,
फिर मैं कहूंगा मोमेंटम स्टॉक है, जब कभी निफ्टी में फियर आए आप स्टॉक को एक बार देख सकते हैं। जो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बोलते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 48% म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग है, 40% की प्रमोटर होल्डिंग है, 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी 2019 में क्लॉक किया था, रिटर्न ऑन एसेट 24% का था, बहुत ही हेल्दी, प्राइस टू बुक वैल्यू 14 है, प्राइस टू कैश फ्लो 120, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आईटी कंपनीज में ज्यादा ही होता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। करीब 2.86 लाख एवरेज वॉल्यूम होता है एनएससी के ऊपर, रिसेंटली ट्रेडेड कंपनी है, तो एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी चल रही है प्राइस चार्ट के ऊपर। आप कभी भी मार्केट में सेल ऑफ आए पोजिशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देख सकते हैं। दूसरी आईटी कंपनी है जस्ट डायल। अगर हम लोग जस्ट डायल को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली एक लोकल सर्च इंजन कंपनी है, सभी लोग को पता है अगर हम लोग सर्च और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कई सारे प्लेटफॉर्म है, वॉइस, वेब, मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशंस, बहुत सारी सर्च प्लस ट्रांजैक्शन सर्विसेज कंपनी देती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लेटफॉर्म पे। जेडी ओमनी सर्विस है कस्टमर्स के लिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप फूड ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, मूवी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कैब, फ्लाइट, बस, ग्रोसरी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लॉन्ड्री पिकअप, शेड्यूल ऑफ कुरियर पिकअप, लॉट ऑफ थिंग्स आप इस कंपनी के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। जेडी ओमनी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, सेलफोन से आप एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है जो बिजनेस ओनर्स अपने डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेलर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए है। छोटे बिजनेसेस को कंपनी अपना इन्वेंटरी मैनेज करने का, बिलिंग और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मैनेज करने का सपोर्ट भी देती है, इंडिया में भी ऑपरेट करती है, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है। अभी थर्सडे को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बायबैक प्रपोजल दिया है करीब 220 करोड़ का इस कंपनी के लिए। कंपनी करीब 31.42 लाख शेयर्स को बायबैक करना चाहती है जो करीब 4.84% है टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का। तो ये बेसिकली 700 रुपए पर शेयर पर करना चाहती है, जहां तक मुझे प्राइस याद है करीब 350-360 रुपए का शेयर प्राइस। ये बेसिकली बायबैक जो होगा वो टेंडर ऑफर रूट के थ्रू होगा ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। रिकॉर्ड डेट कंपनी बाद में अनाउंस करेगी टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो इस बायबैक में प्रोसेस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हमारा इस कंपनी को देखने का सिंपल नजरिया ये है, इट्स नॉट बायबैक, इट्स जस्ट द वैल्यू प्रपोजिशन इस करंट टाइम, जो कोविड 19 का टाइम के बाद का जो समय है उसमें आईटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी वेल प्लेस्ड है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर करीब 20% का रिटर्न, 20.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने क्लॉक किया था, रिटर्न ऑन एसेट वॉज डिसेंट 19%, प्राइस टू बुक आज भी 2.32 का है, लगभग 31 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं एवरेज वॉल्यूम एनएससी लास्ट 20 डेज, 57% म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग 33% है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाते हुए स्टॉक चल रहा होगा। मुझे याद नहीं, मैंने प्राइस चार्ट देखा नहीं अभी, तो ये कंपनी मैं फाइनेंशियल्स देख करके बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा बाय हो सकता है। फिर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इन सारी कंपनियों को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ शायद वेल्थ मैक्सिमाइजर 90 डेज जिसमें हम लोग 12-15% रिटर्न के लिए कोशिश करते हैं नेक्स्ट 90 डेज में, और वेल्थ मैक्सिमाइजर 365 जिसमें हम 50-60% रिटर्न की कोशिश करते हैं एक साल में, उसके पोर्शन हमारे यहाँ हो सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो के पोर्शन हो सकते हैं। तो ये दो आइडिया मैं और शेयर करना चाहूंगा, दो एक कंपनियां केमिकल सेगमेंट से मैं शेयर करना चाहता था, छूट गई, बट लेट्स डिस्कस। यहाँ पर भी ऑलरेडी हम पोजीशन ऑलरेडी बना करके चल रहे हैं कंपनी में। टाटा केमिकल बहुत ही फेवरेट कंपनी है हमारी, बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रपोजिशन है, बिजनेस प्रपोजिशन है जो कि आप अपने लिए देख सकते हैं। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी का जो बेसिकली सेल्स है 36% इंडिया से आता है, एशिया इंडिया को छोड़ करके 10% सेल आता है, यूरोप में 15% सेल है, अफ्रीका 3%, अमेरिका 35%। अब ये प्रपोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, 57% कंपनी का जो बिजनेस है वो सोडा ऐश से होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 6% है, साल्ट 12% है, एग्रोकेमिकल्स 25% है। तो शायद कई लोग टाटा केमिकल्स को टाटा सॉल्ट की वजह से जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने को याद हो तो पिछले साल एक बाइफर्केशन हो गया था इस कंपनी का, जिसमें हमने देखा था कि डिमर्जर हो गया था और टीसीएल का जो सोर्सिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल का बिजनेस था वो दूसरी कंपनी में जो कि बेसिकली टाटा कंज्यूमर उसमें शिफ्ट हो गया था।
अगर आज कंपनी का पोजीशनिंग देखेंगे तो सोडा ऐश का बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का। अगर 60% ऑफ सोडा ऐश का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है, और ग्लास जो बेसिकली है जिसको हम लोग सोडा ऐश के बेसिकली यूज देखेंगे तो ग्लास और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। लगभग 60% का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अब डिटर्जेंट हम सबको पता है, घर में सब लोग बर्तन धोते हैं, अक्रॉस वर्ल्ड धोते हैं, और बहुत बड़ा सोडा ऐश का बिजनेस है। तो एक बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है टाटा केमिकल का। ग्लास होम बिल्डिंग में यूज होता है, एफएमसीजी बिवरेजेस में भी यूज होता है, जहां पर कि थोड़ी सी डिमांड ग्लास की होम बिल्डिंग से कम हो सकती है, एफएमसीजी से है, जहां पर कि बॉटल बना होम बिल्डिंग डिमांड कम रहेगा, बट डिटर्जेंट और बिवरेजेस इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए इस कंपनी ने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। हम लोगों ने सेकंड मे की वेबिनार में भी ये सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे। अगर हम देखेंगे कंपनी का रिटर्न्स जो रिजल्ट्स जो कंपनी ने दिए हैं, तो करीब 40, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो 1471% कल ही रिटर्न्स रिजल्ट्स आए हैं इसके। 1471% नेट प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है, जो लगभग 6421 करोड़ का क्लॉक किया है मार्च 2020 क्वार्टर में, जो कि अगर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखें तो 408 करोड़ का था। सेल्स डिक्लाइन हुए 7.16%। अगर हम देखेंगे तो पूरे साल के लिए देखें फाइनेंशियल ईयर के, तो नेट प्रॉफिट करीब 506% बढ़ा है, 7,006 करोड़ का आया है, जो कि लास्ट ईयर करीब 1155 करोड़ का था। तो रिजल्ट्स अभी एनालाइज करना बाकी है, मार्केट रिजल्ट्स को कैसे देखता है ये आपको मंडे को देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग कंपनी है। एक जो इसका प्रपोजिशन है बहुत ही इंटैक्ट है, सोडाश का प्रपोजिशन, और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको कंपनी में देखने को मिलेंगे। 43% होल्डिंग म्यूचुअल फंड एफपीआईज और इंश्योरेंस के पास है, 35% होल्डिंग टाटा केमिकल्स के पास है। लेटली सुनने को आया था कि टाटा ग्रुप ने इसके अंदर प्रमोटर बाइंग भी देखने को मिली है कंपनी के अंदर। अगर लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 7.95 का था, रिटर्न ऑन एसेट 5.4 का था, बहुत ही कम जो मैं प्राइस टू बुक देख पा रहा हूँ, 0.61 पे ट्रेड कर रहा है अगर नंबर सही है, और प्राइस टू कैश फ्लो 3.93 का है, जो कि बहुत ही सस्ता है मुझे देखने को मिल रहा है। करीब 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम 19 लाख, 19.5 लाख शेयर्स का है, तो बहुत अच्छी ट्रेडेड कंपनी है। ये आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके। इसका अगला जो शेयर है वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, बहुत पसंद है हमको शेयर। ये क्यों पसंद है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सारी स्टोरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ सैक्रोसैंक स्टोरीज है, ये कहीं कोई चेंज नहीं होने वाली है। कोई फाइनेंशियल्स नहीं, आपने देखा होगा कोई फाइनेंशियल स्टॉक हमने डिस्कस नहीं किया, कोई भी मेन लाइन बैंक डिस्कस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम लोग बहुत अच्छे रिटर्न अपनी एडवाइजरी में दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे बॉटम अप्रोच रखते हैं, टॉप डाउन अप्रोच से अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उसमें पोजीशंस बनाते हैं। हाउएवर अगर आप देखेंगे तो शरद मिश्रा से रेगुलरली स्टॉक्स हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यूज हमारे बहुत अच्छे होते हैं, और हम लोग जब कभी निफ्टी गिरता है तभी बाइंग की सलाह देते हैं, कभी भी मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कॉन्ट्रा बेट्स बहुत ज्यादा लेते हैं। अगला स्टॉक हमारा है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बहुत अच्छा कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो 36% इंडिया के अंदर इस कंपनी का सेल है, और लगभग 64% एक्सपोर्ट है कंपनी का। जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स है उसका 63% का रेवेन्यू काउंट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट 37% है। एफएमसीजी में सबसे ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अगर आप देखते होंगे चाहे वो एचयूएल हो चाहे वो कोई भी और कंपनी हो, उसको जो है सप्लाई इस कंपनी का जो भी डिटर्जेंट वगैरह है उसमें यूसेज होता है इसका। बेसिकली एफएमसीजी में टूथपेस्ट शैम्पू वगैरह में यूज होता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में थोड़ा चैलेंज हो सकता है, थोड़ा सा पाम प्राइसेस में बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी असर पड़ सकता है, बट सैक्रोसैंक स्टोरी है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। टाटा केमिकल्स गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जैसे स्टॉक में किसी COVID-19 के कोई और कहीं और डिमांड कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, इन सारे स्टॉक्स में डिमांड कंस्ट्रेंट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 16% म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग है, 71% प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर 23% का था, 18% का रिटर्न ऑन असेट था, प्राइस टू बुक आज भी मुझे 5.26 का दिख रहा है, प्राइस टू कैश फ्लो 16 का है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके स्टॉक देख सकते हैं। कुछ एक स्टॉक हमने निकाले हैं जो तीन डिफरेंट सेगमेंट से हैं जो डिस्कस करना चाहेंगे। पहला है वीएसटी टिलर्स, अगर आप देख रहे हो तो लगातार गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना चाह रही है, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर के लिए बना रही है। लगातार अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है कि
रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, जो बेसिकली जीडीपी को सपोर्ट करेगा। वीएसटी टिलर्स को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनी पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स बनाती है। इसके बेसिकली मेरे पास दो और ऑप्शन थे जिसमें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एस्कॉर्ट्स थे, बट मैंने कॉन्ट्रा कॉल वीएसटी टिलर्स के लिए लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एस्कॉर्ट्स हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजर 90 और 365 का हिस्सा हो सकते हैं, डिस्क्लोजर है, काफी नीचे के लेवल से हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्टॉक समझा है जो मुझे लगता है एक अच्छा मूव दिखाएगा। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने लगभग 761 पावर टिलर्स सेल किए हैं, जो बेसिकली इसके दो ब्रांड्स हैं, मित्सुबिशी शक्ति और वीएसटी शक्ति, जबकि लास्ट ईयर 289 इसने सेल किए, तो वाईवाई बेसिस पर ये नंबर आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वीएसटी टिलर्स ने एक एमओयू साइन किया है जेटर ट्रैक्टर्स के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन बनाने करने के लिए ट्रैक्टर्स का। जेटर इज अ 70 ईयर ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं वीएसटी टिलर्स के, जिसमें शक्ति के नाम से पावर टिलर, वीएसटी शक्ति के नाम से पावर टिलर आता है। ट्रैक्टर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं वीएसटी, मित्सुबिशी शक्ति एमटी, वीएसटी शक्ति, वीएसटी शक्ति एमटी वगैरह इसके ब्रांड्स हैं। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जब रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे। तो टिलर्स का भी कंपनी का काम है। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है एग्रीकल्चर मशीनरी सेगमेंट में। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि राइस ट्रांसप्लांटर्स आते हैं वीएसटी शक्ति के नाम से। राइस ट्रांसप्लांटर वो होता है जिसमें बेसिकली स्पेशलाइज्ड ट्रांसप्लांटर फिटेड होता है और राइस सीडलिंग के लिए पैडी फील्ड्स पर यूज होता है। पावर रीपर्स आते हैं जो बेसिकली मैकेनाइज्ड यूनिट्स होती हैं, जिस जो लाइट वेटेड डीजल इंजन के साथ चलती हैं, राइस हार्वेस्टिंग, वीट बार्ले हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होती हैं। इंजन प्रिसीजन ऑटो कंपोनेंट और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कंपनी बनाती है, जैसे केज व्हील्स, प्लोज, रिजर, एक्सटेंशन व्हील, स्प्रेयर यूनिट एंड स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर। ये सब मैं आपसे इसलिए डिस्कस करूँ, देखिए कितना कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी का पोर्टफोलियो है। और जब कभी रूरल सेक्टर में गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी, तो इस तरह की कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर हम कंपनी को देखेंगे तो 15% म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग है, 55% प्रमोटर होल्डिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 7.77% था, रिटर्न ऑन एसेट 9.30% था, प्राइस टू बुक 1.36 है, बहुत ही सस्ती कंपनी है, प्राइस टू कैश फ्लो 18.5 है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। दो और कंपनियां मैं अलग अलग सेगमेंट से लेना चाहता हूं। पहली है BHEL। अगर BHEL को आप देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है रेगुलरली, हम शरद मिशन स्टेट्स इस बात को शेयर कर रहा है कि शायद गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेकर के आए जहां पर कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आए जिसमें एक टैक्स हॉलीडे दे एफडीआई के फॉर्म में। अगर आप एफडीआई के फॉर्म में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टैक्स हॉलीडे मिल सकता है। ये ट्रेड मिनिस्ट्री शायद लेकर के आए, ऐसा हमारा मानना है, ये स्पेकुलेशन है, हमें ऐसा लगता है, ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल हमारा एनालिसिस है। तो BHEL ने क्या किया, उन सब चीजों से आगे बढ़ करके स्टेप लिया है। अगर हम BHEL को देखेंगे तो उसने क्या किया है, उसने देखा है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है चाइना से, तो BHEL ने ऑलरेडी क्या किया है कि 28-29 को एक 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 अपना एक लेटर इशू किया है जिसमें उसने बोला है कि हम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाने के लिए एक इन्विटेशन दे रहे हैं जो प्लग एंड प्ले मॉडल पे होगा। प्लग एंड प्ले मॉडल मीन्स आप आइए और काम शुरू कर दीजिए। तो हो सकता है कि BHEL एक इंजीनियरिंग R&D सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज करे, बहुत बड़े R&D सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज करे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एक लेसर बने अर्बन एरिया इंडस्ट्रियल लैंड का। ये एक टेस्ट केस हो सकता है, अगर इस तरह से BHEL ने किया तो और भी कंपनीज आने वाले समय में PSU कंपनीज करें। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली इस काम से उनके असेट्स का मोनेटाइजेशन होगा और एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जबकि एक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग प्रोसेस है, बट इन कंपनीज का एक वैल्यू अनलॉकिंग इस वजह से हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो करेंटली अगर आप BHEL को देखें तो इसका करीब अगर आज देखें तो जो असेट वैल्यू है करीब 4.5 टाइम्स इसके CMP के।
ये बेसिकली बीएचईएल क्या कर रहा है, प्रपोजल कंसीडर कर रहा है लैंड यूटिलाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटीज वगैरह के बनाने के लिए। इसके अलावा एक चूंकि बीएचईएल एक सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का प्रोड्यूसर है, ये एक्सपैंड करना चाह रहा है सोलर वैल्यू चेन में बाई एडिंग पॉलीसिलिकॉन रिफाइनिंग। पॉलीसिलिकॉन रिफाइनिंग बेसिकली ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए की जाती है। अब वेरी लार्ज के इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स वगैरह बनते हैं, तो इसके अंदर ये बेसिकली एक सेटअप अपना बनाना चाह रही है, रेडी रेडीमेड सेटअप बनाना चाहती है जिसमें बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज आकर के प्लग एंड प्ले मेथड से सीधे सीधे प्रोडक्शन कर सकें। इसके अलावा सिलिकॉन वेफर और इग्नॉट मैन्युफैक्चरिंग, जो बेसिकली सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, ब्रिक एंड ग्लास वगैरह में यूज होते हैं। सिलिकॉन बहुत कॉमन मटेरियल है जो सेमी कंडक्टर और माइक्रोचिप वगैरह बनाने में यूज होता है, तो इन सब के लिए फैसिलिटी डेवलप कर रही है बीएचईएल। बाहर की कंपनियां आकर के प्लग एंड प्ले मेथड पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकती हैं। बीएचईएल क्या कर रहा है, 5 मेगावाट आर कैपेसिटी का लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज को के लिए बेसिकली कंपनीज को फायदा होगा। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है जिसमें एलसीडी पैनल्स हैं टीवीज और मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट जैसे कि रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव, ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह के लिए काम कर रहा हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट जैसे प्रोसेसर, टर्बाइंस, मोटर्स, कॉलम, दसेस वगैरह में काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप समझे तो बहुत अच्छी एक प्लग एंड प्ले मेथड से बीएचईएल एक फैसिलिटी देना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आ करके वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डाल सकते हैं। एक री रेटिंग होगी इस स्टॉक की और आप देखेंगे इस री रेटिंग में स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। 0.3 की प्राइस टू बुक पर स्टॉक केवल ट्रेड करता है आज की डेट में, और बहुत ही सस्ता स्टॉक है। अगर 26% देखें तो म्यूचुअल फंड एफपीआई इंश्योरेंस होल्डिंग है, 63% प्रमोटर होल्डिंग है जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो एक बहुत अच्छा एक जो है बीएचईएल। लास्ट अगर मैं देखूंगा एवरेज वॉल्यूम, चूंकि स्टॉक अच्छा मूव किया है तो एक बड़ा एवरेज वॉल्यूम लास्ट 20 डेज का दिखाई दे रहा है, बट स्टॉक एडिक्वेटली ट्रेडेड है, एक सैक्रोसैंक अपवर्ड मूविंग ट्रेंड में चलेगा। आप कभी भी जब मार्केट में फियर हो, कोई नेगेटिव न्यूज आए, आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें। अगला स्टॉक है, एक कॉन्ट्राबेट है जो हम लोग ले रहे हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स के अंदर। अगर आप मैं कुछ एक फैक्ट्स एसबीआई के अंदर शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप देखेंगे तो सिबिल को सब लोग, हम लोग जानते हैं, अगर सिबिल के पास करीब 400 मिलियन से ज्यादा यूनिक रिकॉर्ड्स हैं जिसमें से केवल 170 मिलियन के पास रिटेल लोन है आज की डेट में। अगर हम देखेंगे तो 31 मिलियन के पास केवल क्रेडिट कार्ड है, मतलब 400 मिलियन यूनिक रिकॉर्ड्स जिसमें केवल 31 मिलियन के पास क्रेडिट कार्ड है, तो अच्छा खासा 100 मिलियन तक मीडियम टर्म में क्रेडिट कार्ड इशूएंस हो सकता है। ऑब्वियसली आज के टाइम में जबकि कोविड-19 के बाद थोड़ा सा जॉब में प्रेशर आएगा, एसबीआई का बैंक अकाउंट होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है एसबीआई को फायदा हो, लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर्स बढ़े। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब 50 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने टैक्सेबल इनकम रिपोर्ट किया, जो एग्जम्प्ट लिमिट में आते हैं फाइनेंशियल ईयर 18 में। कैश का पेमेंट बहुत ज्यादा इंडिया में होता है, लगभग अगर स्पेंड एक्सपेंडिचर देखें तो 85% ऑफ द एक्सपेंडिचर कैश में आता है इंडिया के अंदर। नॉन कैश स्पेंड में देखें तो क्रेडिट कार्ड का केवल 6% का एक्सपेंडिचर है, टोटल नॉन कैश एक्सपेंडिचर में 6% क्रेडिट कार्ड आता है, रेस्ट सारा डेबिट कार्ड आता है। 30 क्रेडिट कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि चार टॉप की कंपनीज 70% ऑफ द क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर और एक्सपेंडिचर होल्ड करती हैं, जिसमें से एचडीएफसी बैंक का 25% मार्केट शेयर है, एसबीआई कार्ड्स का 18% का मार्केट शेयर है, दो लीडर्स हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो 28% एचडीएफसी बैंक का शेयर और 18% एसबीआई का शेयर है। कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड पे प्रेशर आता है, ये सबको लगता है कि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज के अंदर प्रेशर आएगा, बट मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करूंगा। बेसिकली अगर परसिस्टेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, जॉब लॉसेज रहेंगे, तो ऑब्वियसली एक अनसिक्योर बिजनेस है, ठीक है, इसका नुकसान होगा, रिटर्न ऑन एसेट गिरेगा, नेगेटिव हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। लेकिन एक बहुत अच्छा डेटा है जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, इंडिया में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन बेटर कर रहे हैं सिक्योर्ड रिटेल लोन के मुकाबले, मतलब उनका एनपीए लेवल कम है एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड रिटेल लोन। सो क्वालिटी ऑफ अंडर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो एसबीआई कार्ड्स ने अपना क्वालिटी बहुत इंप्रूव किया है, एक्टिव कार्ड यूजर्स बढ़ाए हैं, और अगर हम इसका देखेंगे तो लास्ट 5 साल में जहां 60,000 रुपए एवरेज कार्ड स्पेंड होता था, अब 1,45,000 रुपए कार्ड स्पेंड हो गया पर एनम,
जो कि बेसिकली इन लाइन हो गया लगभग HDFC बैंक की वजह से। स्टॉक बहुत सस्ता है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। आप अगर आप रिटर्न एंड इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर इस साल लगभग 27% का क्लॉक किया है, लास्ट ईयर 29% का था। रिटर्न ऑन एसेट 7.6% का क्लॉक किया है, जो 7.4% था। प्राइस टू बुक 9.5 है, राइट। अगर हम देखेंगे तो 7% होल्डिंग एक म्यूचुअल फंड FPI इंश्योरेंस के पास है, 70% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट है, अगर आप कॉन्ट्रा बेट लेने को चाहें तो आपके लिए ऑब्वियसली एक अच्छा एक बेट हो सकता है। तो ये एक स्टॉक और मैं शेयर करना चाहता था। तीन स्टॉक में और मैं और शेयर करना चाहूंगा, इनफैक्ट दो स्टॉक में और शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक लिए गए थे, मैंने अपनी टीम को बोला था कि आप 10-12 से स्टॉक ऊपर मत लीजिए, बट एक फ्लोट हो चुका था 20 स्टॉक का, तो मुझे 20 स्टॉक आपको रखने पड़े। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छी बेट्स है मार्केट में। एक मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा और समझिएगा, निफ्टी का लेवल आप शरद एसोसिएट्स के ब्लॉग पर रेगुलर शेयर करते रहिएगा। हम लोग आप बहुत इगोइस्ट नहीं है, बट आप देखेंगे हमारे लेवल के ज्यादातर लेवल बाद में कई सारे टीवी चैनल्स वगैरह डिस्कस करते हैं और वो लेवल आते हैं, तो वो एक रेगुलर फीचर है। आप उसको अगर रेगुलरली आप फॉलो करेंगे तो आपकी कैश कॉल्स गलत होने की चांस थोड़ा कम रहेंगी। वो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। दो आखिरी स्टॉक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, गुजरात गैस और अडानी गैस। मेरे बहुत फेवरेट स्टॉक है, हम लोग के बहुत फेवरेट स्टॉक है। अगर आप अडानी गैस को देखें पहले, तो बेसिकली सबसे बड़ा इसके अंदर एक ही डिस्कशन करने का पॉइंट है कि अब आज की डेट में 37% कंपनी की होल्डिंग बेसिकली फ्रेंच एनर्जी जायंट है, टोटल ऐसे उसके पास है। ये एक फ्रेंच मल्टी नेशनल कंपनी है, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस कंपनी है, जो दुनिया की 7 सुपर मेजर ऑयल कंपनीज में आती है, तो इतना ही कहना काफी है स्टॉक के लिए। अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप की कंपनी है, इस साल जो कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं Q4 फाइनेंशियल ईयर्स के, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं क्रॉस अगर हम कंपनीज में देखें तो, जो हम लोग रीड कर पा रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मार्जिनली थोड़ा सा कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मगर अगर हम देखेंगे तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा असर पड़ सकता है। जो सेल्स वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बड़ा, ईयर ऑन बेसिस 2.8% का ग्रोथ आया है। EBITDA अगर हम देखेंगे तो 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, बेटर ग्रॉस मार्जिन की वजह से। ग्रॉस मार्जिन 27% ईयर ऑन ग्रोथ आया है, राइट। पैट लगभग 61% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है लो टैक्स की वजह से। अगर आप कंपनी का देखेंगे तो केपेक्स बहुत अच्छा कंपनी ऐड कर रही है, करीब 33 CNG स्टेशन फाइनेंशियल 20 में कंपनी ने ऐड किए हैं, 115 स्टेशन हो गए हैं, जो कंपनी को जब कभी नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाएगी फायदा करेगा। अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग केपेक्स है वो न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज में जो है फेवरेबल रेगुलेटरी सिनेरियो की वजह से कंपनी को और ज्यादा फायदा करेगा। स्टेबल सेल्स ग्रोथ वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक गैस और ग्लोबल LNG प्राइसेस काफी गिर गए हैं, तो कुछ बेनिफिट कंपनी ने कॉस्ट कस्टमर्स को ही पास किया है, बट कंपनी को एक हेल्दी मार्जिन आगे देखने को मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कंपनी को एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। तो ये आपको फायदा अडानी गैस में देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो 20% म्यूचुअल फंड FPI इंश्योरेंस वगैरह होल्डिंग है, 75% प्रोमोटर होल्डिंग है। बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने क्लॉक किया, 33.92% का रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल 19 में 23% का क्लॉक किया था। रिटर्न ऑन एसेट 24% का क्लॉक किया, जो लास्ट ईयर 14% था। प्राइस टू बुक 10.6 है, बेहतरीन कंपनी है। 16.5 लाख शेयर लगभग ट्रेड होते हैं कंपनी के, तो एक सैक्रोसेंट अपट्रेंड में कंपनी रह सकती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस कंपनी को देख सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो गुजरात गैस है। गुजरात गैस गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन का 63% का स्टेक है गुजरात गैस में, सरकारी कंपनी है। अगर हम देखेंगे तो 17% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है वो ये है कि ग्लोबल सप्लाई बहुत ज्यादा हुई है LNG की, तो उसकी वजह से LNG प्राइसेस लगभग जो 2019 में 6.0 MMBTU इज बेसिकली मेट्रिक बिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो बेसिकली एनर्जी के लिए, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप दोबारा सुन सकते हैं वेबिनार। तो 6 डॉलर पर यूनिट था, जो अब घट करके $2 पर यूनिट के भी नीचे आ गया है। ये फायदा सीधे सीधे कंपनी को गैस सेक्टर में सभी को देखने को मिल रहा है, और अडानी गैस गुजरात गैस दोनों को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है लो कॉस्ट लिक्विड नेचुरल गैस की वजह से, उससे
थोड़ा सा कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा देखने को मिला है। कुछ एक चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा गैस कंपनीज के, स्पेशली आप ध्यान में रखें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, 38 क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरियाज निकाले और सारे स्टेट पॉल्यूटेड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को बुलाया कि भाई एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाइए सो दैट और ये जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं ये सेफ पैरामीटर्स में रहें। तो ये एक सारा गैस कंपनीज को जो बेसिकली सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको सबसे ज्यादा इसके अंदर फायदा होता दिखेगा। इसमें गुजरात गैस, अडानी गैस वगैरह आते हैं। अगर गुजरात गैस को हम देखेंगे तो करीब 1.3 mm SCMD जो कि बेसिकली मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे अनदर यूनिट होता है, वो गैस बेसिकली सेल कर रहा था सेम रीजन में जहां पर मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के अंदर। अगर मान लीजिए ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं जो NGT ने बोली है तो ये चीज लगभग डबल हो जाएगा, सेल्स जो है गुजरात गैस की डबल हो जाएगी, जो बेसिकली 2.6 यूनिट हो जाएगी। तो ये सीधे सीधे एक गुजरात गैस को फायदा होता हुआ दिखेगा। सेकेंडली अगर हम देखेंगे तो फ्यूल ऑयल, जो बेसिकली फ्यूल ऑयल यूज होता है गुजरात में, वो एडिशनल जो इंडस्ट्रियल डिमांड है जो लगभग 2.2 यूनिट्स की है, वो बेसिकली हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये गुजरात गैस को सीधे सीधे फायदा होगा। अगर देखेंगे तो जो PNG इंडस्ट्रियल वॉल्यूम है वो फाइनेंशियल 21 में जो ग्रोथ आएगी गुजरात गैस की 14% आएगी। हाउएवर जो अभी कुछ सारे ग्लोबल ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा डीग्रोथ होगी, बट इवन द नेक्स्ट सैक्रोसैंक ट्रेंड इस कंपनी के अंदर रहेगा। ये समझने वाली बात है कि अगर एक MMSCMD मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे राइज होता है PNG के इंडस्ट्रियल सेल्स में कंपनी के लिए, तो इसका जो EBITDA है वो 10% से फाइनेंशियल 21 में बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक स्कीम है जिसको कहते हैं CNG सहभागी योजना। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि CNG के आप गैस स्टेशन लगाइए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अगले 2 साल में, मींस फाइनेंशियल 2020-21 में, हम 300 नए CNG स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसका भी सीधा सीधा फायदा जो है गुजरात गैस, अडानी गैस जैसी कंपनी को होता हुआ दिखेगा। अगर गुजरात गैस में आप देखेंगे तो 17% म्यूचुअल फंड FPI इंश्योरेंस होल्डिंग है, 61% प्रमोटर होल्डिंग है, सरकारी कंपनी है, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी क्लॉक किया है फाइनेंशियल ईयर 19 में और 8% रिटर्न ऑन एसेट क्लॉक किया है, 7.58 का प्राइस टू बुक है, बहुत ज्यादा नहीं है अगेंस्ट अडानी गैस। तो बहुत अच्छी कंपनी है, एक सैक्रोसेंट अपट्रेंड में चलेगी। जब कभी मार्केट में फियर आए तो आप इसके अंदर एक बाय का देख सकते हैं। आई थिंक अच्छे खासे स्टॉक्स हम लोग ने शेयर कर लिए, 1 घंटा हो गया है, सो मैं भी थक गया हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। और हम लोग बेसिकली कोशिश यही करते हैं सर, शेयर्स में हम लोग के पास मेजर कैश के प्रोडक्ट्स हैं, जबकि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी राय देते हैं, बट हम लोग उसकी एडवाइस नहीं करते हैं। हमारा मानना है ट्रेडिंग में हम विश्वास नहीं करते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडर्स को थोड़ा नुकसान होता है। मुझे लगता है कंसोलिडेटिंग मार्केट में अगर ट्रेडर्स बने रहेंगे तो शायद उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अच्छे स्टॉक्स में बने रहें, गिरने दें मार्केट, सही लेवल पर स्टॉक खरीदें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको 12-15% रिटर्न मिल रहा है हर क्वार्टर में तो आपको साल का 50-60% डालना शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छी कंपनी में बने रहिए। तो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, थैंक यू।